प्यास की तलब है कि रेत निचोड़ी जाए अपने हिस्से में समंदर नहीं आने। तो आप लोग इन विषय को लेकर के, अब मैं विषय पे नहीं आऊंगा, विषय का यहाँ जो हमको लगता है कि काफी समय से आप लोगों को पता भी है क्या विषय पे है। तो आप लोग जो है, जो भी साथी हमारी आवाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब वो सिर्फ हमारी आवाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जब आप घर से आते हैं तो बूढ़ी माँ के जो कपकपी हाथों से आपको जो 500 रुपए दे के, 100 रुपए के नोट दे के, 200 रुपए के नोट दे के वो आशीर्वाद देती हैं, उनके सपनों के लिए आपको लड़ना है। तो आप सभी लोग इन लोगों का सहयोग करिए, समर्थन करिए। आने वाले समय में जब भी सरकार कोई भी तानाशाही रवैया अपनाए, तो यही हुआ आगे बढ़ के आपकी लड़ाई लड़ने के लिए उसके अंदर उत्साह उत्पन्न हो सके, उसके अंदर समर्थ आ सके कि आप लोगों की लड़ाई लड़नी है। उदासियां और न लाते तो क्या करते, उदासियां न लाते तो और क्या करते, जश्न 16 न मनाते तो और क्या करते। अंधेरा मांग ले आया था हमसे, अंधेरा मांग ले आया था हमसे रोशनी की भी, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। हाँ सभी लोग आइए, जो भी लोग की मांगे हैं आप सभी लोग इत्तेफाक करते हैं। और आप लोग को बता दूं, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट नहीं, लेकिन छात्र मुद्दे पे जो भी मांगे हैं इन लोग का आइए समर्थन करिए और अपनी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़िए, ताकि आप जो आपके माँ बाप के सपने हैं उसको आप पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात।